नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये निर्णय लेना पार्टी के आला कमान का है मुद्दा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में नियमता होता है कि पहली बार बने हुए विधायकों को मंत्री नहीं बनाते, मुझे लगता है अभी वो लागू रहेगा, इसलिए इस तरह के कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग कृपया करके कल जो पिछले कई महीनों से जो राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया जा रहा था, और यह इस काम में राजभवन जिस तरीके से संलिप्त था उसके बारे में बात करें। आप लोगों ने देखा, शायद पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में सत्ता पक्ष के विधायक खड़े रहे। इस विरोध के क्या मायने हैं, इसको समझने की आवश्यकता है, और जिन गंभीर मुद्दों पर सवाल किए जाने चाहिए, मेरा आप लोगों के, आप लोग मीडिया साथियों के साथियों से नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की है, नाराजगी व्यक्त करने का उनका अधिकार है, वो ज़रूर व्यक्त करें, लेकिन आप जब सामने जब आप एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं तो उसके सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। ज़रूर उनसे ऐसी कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये परिस्थिति हुई है। बगल में बिहार का राज्य है, वहाँ के राज्यपाल 2 घंटे में बुलाते हैं। अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही, और अगर दायित्व निर्वहन करने में जब हमारे झारखंड के विकास और उसकी सुरक्षा और वहाँ यहाँ के संवैधानिक जो शुचिता है उसको मेंटेन करने की बात हो तो सवाल और भी ज़ोर से उठेंगे और विरोध भी पुरजोर होगा। दीदी, एक सवाल, एक सवाल।